दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान की जगह कहीं और शिफ्ट किया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने पाकिस्तान न जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों को भी किया पाकिस्तान में जाने से मना। खुद बयान देने के साथ ही कर दिया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से कर दिया है मना। ऐसे में अब पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। इस बीच एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन से लेकर डेविड वार्नर, मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ना जाने की सलाह देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने पाकिस्तान में खेलने के लिए न जाने का ऐलान कर क्या कुछ कहा है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत में कौन सी टीम मजबूत टीम है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फरवरी और मार्च के महीने में खेली जाने वाली इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सभी टीमें अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा बवाल पैदा हो गया है, क्योंकि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान में जाने से कर दिया है मना। भारतीय सरकार के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। ऐसा ऐलान खुद ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों ने किया है, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान की धरती पर होने वाला है। इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अब भारतीय टीम ने पाकिस्तान में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ना जाने का फैसला लिया है, क्योंकि अब भारतीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को पाकिस्तान में बेहतर तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उनका पाकिस्तान में जाना चिंताजनक रहेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अगर भारतीय टीम खेलने के लिए नहीं जाती है तो हमारी टीम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि जो देश भारत को सुरक्षा नहीं दे सकता है वो हमें कैसे सुरक्षा दे सकेगा। तो वहीं पे मैथ्यू हेडन ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है। सभी को इस बात के बारे में पता है कि भारत और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं। ऐसे में ये तो पहले से ही कंफर्म था कि भारत पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा टूर्नामेंट से काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को अगर सुरक्षा बेहतर तरीके से पाकिस्तान की सरकार नहीं दे पाएगी तो मुझे लगता है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी टीम के खिलाड़ी की सुरक्षा टूर्नामेंट खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वहीं पे शेन वॉटसन ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है। सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से पाकिस्तान में हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान में भारतीय टीम को बेहतर तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, और जिस प्रकार से भारत को सुरक्षा नहीं देने की बात भारतीय सरकार कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और देश को भी बेहतर तरीके से सुरक्षा पाकिस्तान में मिल पाएगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ भारत के खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से सुरक्षा देना आईसीसी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा देना उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ऐसे में अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा तो हम भी खेलने नहीं जाएंगे। तो वहीं पर डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है। सभी को पता है कि पाकिस्तान में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले श्रीलंका की टीम पर आतंकवाद के चलते हमला हो गया था, और ऐसे में कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता है कि किसी भी टीम के खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना हो। ऐसे में मुझे लग रहा है कि भारत के बाद अब हमारी टीम को भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सुरक्षा काफी ज्यादा खराब रही है। ऐसे में अगर भारत को सुरक्षा पाकिस्तान सरकार नहीं दे पाएगी तो हमारी टीम को किस तरीके से सुरक्षा दी जा सकती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान की जगह किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और
दोस्तों भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से किया मना। खुद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हबीबतुल्ला ने दे दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करते हुए पाकिस्तान में न खेलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच तालिबान विदेश मंत्री हबीबतुल्ला ने पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ाते हुए और जमकर खरी खोटी सुनाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार पाकिस्तान में खेलने के लिए न जाने पर विदेश मंत्री हबीबतुल्ला ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन फरवरी और मार्च के महीने में पाकिस्तान की धरती पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया था, जिसके चलते डिफेंडिंग चैंपियन होने के कारण पाकिस्तान को मेजबानी मिली है। हालांकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करने पहले भारतीय टीम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जहां पर भारतीय टीम पाकिस्तान में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए खेलने के लिए नहीं जाएगी। ऐसे में अब भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। इस बीच खुद तालिबान विदेश मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री हबीबतुल्ला ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाने वाली है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी क्रिकेट टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इसके पीछे का बड़ा कारण खुद पाकिस्तान है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात फिलहाल क्या हैं। इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 8 टीम खेलने वाली हैं, जिसमें हमारी टीम तो रहेगी, साथ में 7 बड़ी टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में जाने वाली हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की हालत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा को लेकर है, जहां पर भारतीय सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में न भेजने की मंजूरी दी है और यही कारण है कि पाकिस्तान में भारत खेलने को नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में भारत को सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के हालात किसी से भी छुपे नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत में आतंकवादी घटना होती है, खुद पाकिस्तान के लोग भी आतंकवादी घटना से दुखी है, लेकिन फिर भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है और इसी का नुकसान पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की जनता को होने वाला है, क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पाकिस्तान में खेलने को देखने का मौका नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा मुद्दा ICC पाकिस्तान के सामने रख चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर किसी खिलाड़ी की जान चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे में मैं ICC से अपील करता हूं कि पाकिस्तान की जगह कहीं और चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बौखला उठे हैं। इस बीच उन्होंने गुस्से में आग बबूला होते हुए भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और बाबर आजम ने भारत के न आने पर खुलकर अपनी बात रखी है और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह दिया कि भारत जो चाहेगा वो अब क्रिकेट जगत में बिल्कुल नहीं होगा। और अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में बाबर आजम के बयान के बारे में और दिखाएंगे पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के समापन के तुरंत बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर अब पाकिस्तान की धरती पर खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ICC के अनुसार पाकिस्तान की धरती पर फरवरी और मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल BCCI के अनुसार इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगा और हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका और दुबई में से किसी एक देश में अपने मैच कर सकता है। ऐसे में इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का खून खौलता है और उन्होंने सनसनी मचा देने वाला बयान दे दिया है, जिसमें बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर होने वाले इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम अब पाकिस्तान में नहीं आना चाह रही है और इस खबर को सुनकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि भारत की टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आना चाहती है,
क्या हम आतंकवादी हैं या फिर हमारे देश को भारत बदनाम करने की साजिश रच रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मंसूबों पर आईसीसी पानी जरूर फेरेगा, लेकिन पाकिस्तान में भारत के न आने से हमारी टीम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की धरती पर भारत खेलने के लिए नहीं आना चाहता है तो हम किसी के मोहताज नहीं है कि हम भारत में अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं। हालांकि हम वनडे वर्ल्ड कप में भारत की धरती पर खेलने के लिए गए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आईसीसी उन पर दबाव डालते हुए पाकिस्तान में भेजने के लिए भारत को तैयार करेगा, लेकिन अब यह उल्टा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है।